हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश की पाठशाला। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि सीबीएसई ने अपने क्वेश्चन पेपर पैटर्न में, इंग्लिश कोर के क्वेश्चन पेपर पैटर्न में अभी हाल ही में कुछ चेंजेस किए हैं। वो चेंजेस क्या हैं? तो देखिए, यहाँ पर आपको सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन है, यहाँ पर एकेडमिक्स जो इसका मेन हेड है वो ओपन है, और यहाँ पर आपको एक सर्कुलर दिखाई दे रहा है, नोटिफिकेशन रिगार्डिंग चेंजेस इन क्वेश्चन पेपर फॉर इंग्लिश कोर। ये अभी सितंबर के लास्ट वीक में ही नोटिफिकेशन सीबीएसई की वेबसाइट पर अपलोड हुआ है, और उसमें कुछ सिग्निफिकेंट चेंजेस किए गए हैं। तो कौन कौन से हैं वो सिग्निफिकेंट चेंजेस, आइए देखते हैं। क्लास ट्वेल्थ फॉर द सेशन 2018-19 क्वेश्चन पेपर भी दिया हुआ है और मार्किंग स्कीम भी दी हुई है। मार्किंग स्कीम में आपको पता लगेगा कि क्वेश्चंस के आंसर किस प्रकार से देने चाहिए और कितने वर्ड्स और वर्ड लिमिट होनी चाहिए। एक जो सैम्पल आंसर्स दिए होते हैं वो उसमें आप देख सकते हैं मार्किंग स्कीम में। ये सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है। चलिए सबसे पहले नोटिफिकेशन देखते हैं कि ये नोटिफिकेशन कब निकला था और इसमें क्या क्या चेंजेस बताए गए हैं। देखिए, ये नोटिफिकेशन इशू हुआ था 25 सितंबर 2018 को। तो क्या लिखा है? कॉन्सिक्वेंट अपॉन द फीडबैक रिसीव्ड फ्रॉम द वेरियस स्टेक होल्डर्स एंड सब्सिक्वेंट डेलिबरेशन इन द मीटिंग्स ऑफ द कमेटी ऑफ कोर्सेज ऑफ द बोर्ड एंड द सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स, द फॉलोइंग चेंजेस हैव बीन मेड इन सेक्शन ए रीडिंग ऑफ द क्वेश्चन पेपर फॉर इंग्लिश कोर क्लास ट्वेल्थ फॉर द सेशन 2018-19। सो दिस इज़ द एरिया वेयर द चेंजेस हैव बीन मेड, और ये एग्जिस्टिंग पैटर्न ये है, और रिवाइज जो 2018-19 यानी इसी साल से लागू हो जाएगा आपके लिए, उसको आपको देखना है। तो देखिए, सबसे अच्छी जो न्यूज़ आपके लिए निकल कर आई है वो ये है कि अब पैसेजेस तीन नहीं बल्कि दो ही होंगे। दिस इज़ अ वेरी गुड न्यूज़, बिकॉज जो बच्चे अधिकतर क्वेश्चन पेपर के लेंदी होने की कंप्लेंट करते हैं, अब आप देखिए आपके वो जो क्वेश्चन पेपर लेंदी हुआ करता था वो एक पैसेज एक्स्ट्रा होने के कारण ही लेंदी हो रहा था, लेकिन अब नहीं होगा। अब उस तीन पैसेज की जो संख्या थी उसको घटाकर दो ही कर दिया गया है। तो पहले दो पैसेजेस एक आया करते थे 1100 से 1200 वर्ड्स के, फिर एक पैसेज और आया करता था 400 से 500 वर्ड्स का, लेकिन अब इस में दो ही पैसेज होंगे, और दोनों पैसेजेस की वर्ड लिमिट रखी गई है, वर्ड लेंथ रखी गई है 800 to 900 वर्ड्स। सो दिस इज़ अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर यू। एंड टाइपोलॉजी ऑफ क्वेश्चंस में भी कुछ चेंजेस किए गए हैं। सी व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस हैव बीन मेड, किस प्रकार के चेंजेस किए गए। पहले 6 MCQs आया करते थे, नाउ इन द रिवाइज पैटर्न इट विल बी 5 MCQs। सभी एक एक नंबर के होंगे, और पहले 16 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चंस हुआ करते थे, लेकिन अब सिर्फ 9 होंगे, और पहले एक शॉर्ट आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चन 3 नंबर का हुआ करता था, लेकिन अब आपके 3 शॉर्ट आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चंस होंगे 2 नंबर के, और ये एक लॉन्ग आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चन 5 मार्क्स का पहले हुआ करता था, अब आपके वो 2 लॉन्ग आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो ये 3 नंबर का जो क्वेश्चन था पहले समरी राइटिंग का था, और ये जो 5 नंबर का क्वेश्चन था ये नोट मेकिंग का था, लेकिन अब आपके सिर्फ 2 ही पैसेज रह गए हैं, और इन पैसेज नंबर 2 में दोनों क्वेश्चन आपके 5-5 नंबर के कर दिए गए। इसका मतलब आप में ये होने वाला है कि नोट मेकिंग वाला क्वेश्चन भी 5 नंबर का होगा और समरी वाला क्वेश्चन भी 5 नंबर का होगा। तो पहले एग्जिस्टिंग पैटर्न में 24 क्वेश्चंस थे 30 मार्क्स के, और अब जो रिवाइज्ड पैटर्न है उसमें 19 क्वेश्चंस हो गए हैं 30 मार्क्स के। तो इस तरह से एग्जिस्टिंग पैटर्न में जो क्वेश्चंस की संख्या है रीडिंग सेक्शन में वो 40 है, लेकिन अब 35 हो गई है रिवाइज्ड पैटर्न में। तो मतलब क्वेश्चंस कम हो गए हैं, तो ऑब्वियसली आपको लिखना कम पड़ेगा, लिखना कम पड़ेगा तो अब आपके लिए क्वेश्चन पेपर लेंदी नहीं रहेगा। सो रियली दिस इज़ अ वेरी गुड न्यूज़, एंड आई होप कि आप स्टिपुलेटेड टाइम लिमिट में अब पेपर समाप्त कर पाएंगे। अब देखिए, चलते हैं इसके सैम्पल क्वेश्चन पेपर की तरफ, जो इन्होंने सैम्पल क्वेश्चन पेपर उपलब्ध कराया है हमें, इसमें क्या क्या चेंजेस किए गए हैं। सबसे पहले ये देखिए, क्लास ट्वेल्थ इंग्लिश कोर सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2018-19, मैक्सिमम मार्क्स 100, टाइम अलाउड 3 आवर्स, सेक्शन ए रीडिंग, द फर्स्ट पैसेज इज़ गोइंग टू बी ऑफ 20 मार्क्स, और दिस इज़ हैविंग द वर्ड्स 737। तो आपने देखा ही था पिछले वाले में भी 750 से 900 वर्ड्स की वर्ड लेंथ दी हुई है। ये क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, सी द क्वेश्चन नंबर 1, दिस इज़ हैविंग द मल्टीपल चॉइस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, 5 क्वेश्चंस आर देयर, और हर क्वेश्चन के लिए मल्टीपल चॉइसेस दी हुई हैं, यू हैव टू सेलेक्ट वन ऑफ देम। तो ये 5 नंबर के क्वेश्चंस हैं। उसके बाद देखिए, ये
छः क्वेश्चंस हैं और ये एक एक नंबर के छः क्वेश्चंस हैं, इन दैट इट मेक्स 6 मार्क्स। और क्वेश्चन नंबर 3, उसके बाद 1.3 देखिए आप, इसमें से चार क्वेश्चंस में से आपको कोई 3 क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं और उनके आंसर देने हैं इसी पैसेज में से। ये हर क्वेश्चन जो है 2 नंबर का होगा, इस तरह से ये बन जाते हैं 6 नंबर। उसके बाद में ये वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन है 1.4, और इसमें आपको इनके सिनोनिम्स ढूंढ के निकालने हैं जो इनका सेम मीनिंग कन्वे करते हैं। ये भी आपके 1 × 3 3 नंबर के हो गए। अब एक बार देखते हैं, 3 मार्क्स हियर, 3 और 6 9 और 6 15, और ऊपर आपको 5 नंबर के मल्टीपल चॉइस टाइप ऑफ क्वेश्चंस मिल गए। इस तरह से हो गया ये 20 मार्क्स का पहला क्वेश्चन। नाउ लेट्स प्रोसीड टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। ये देखिए, ये वाला जो पैसेज है, दिस विल बी एक्सक्लूसिवली फॉर नोट मेकिंग एंड समरी राइटिंग। See, on the basis of your understanding of the above passages, make notes on it using headings and subheadings. So this is not making question, and this is going to be of 5 marks. No change here. Write a summary. A big change is here. यहाँ पर आपको पहले जो 3 नंबर की हुआ करती थी, अब वो आपको 5 नंबर की summary लिखनी होगी। तो ये मत सोचिए कि आपको कुछ लंबा लिखना पड़ेगा। Summary तो summary के हिसाब से brief ही लिखनी पड़ेगी, लेकिन आपको थोड़ा एक्यूरेसी बढ़ानी पड़ेगी। इस क्वेश्चन को सीरियसली लेना पड़ेगा आपको। यू कैन नॉट सेलेक्ट द लाइंस और उनको फिर आपने लिख दिया और एक समरी बना दी। इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। नाउ दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी चेक्ड सीरियसली। सेक्शन बी देखिए, एडवांस्ड राइटिंग स्किल्स। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3, देर इज़ नो चेंज, नोटिस, एडवर्टीजमेंट, पोस्टर, इन्विटेशन, इन चारों में से कोई 2 होगा और 2 में से कोई आपको 1 करना है। दिस अगेन इज़ गोइंग टू बी ऑफ 4 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 4 में आपके लेटर्स टाइप हैं, ये 6 नंबर का है, ये वैसा का वैसा ही है, देर इज़ नो चेंज इन दैट वन। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इसमें भी आपको एक डिबेट दिया हुआ है यहाँ पर, और ये यहाँ पर आपके लिए एक स्पीच दिया हुआ है, तो इन दोनों में से कोई 1 करना है। तो डिबेट, स्पीच और आर्टिकल और रिपोर्ट, ये 4 चीज़ें हैं, इनमें से कुछ एक चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6, ये एक आर्टिकल है, सेव वाटर, आर वी डूइंग इनफ, और ये यहाँ पर एक रिपोर्ट आपसे पूछी गई। ये सब 10-10 नंबर के क्वेश्चंस हैं, इनमें कोई चेंज नहीं किया गया है। अब हम चलते हैं सेक्शन सी, लिटरेचर टेक्स्ट बुक एंड लॉन्ग राइटिंग टेक्स्ट की तरफ। यहाँ पे देखिए, पहला जो उसमें लिटरेचर में पहला क्वेश्चन हुआ करता था, वो एक्सट्रैक्ट का क्वेश्चन हुआ करता था, और यहाँ पर अभी भी ये एक्सट्रैक्ट का ही क्वेश्चन है, और दिस क्वेश्चन इज़ गोइंग टू बी ऑफ 4 मार्क्स। इसमें कोई चेंज नहीं है, पहले भी चॉइस आया करती थी, अब भी चॉइस है। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, यहाँ पर 6 क्वेश्चंस में से आपको कोई 4 करने होते थे, अभी भी वही 4 करने हैं, और हर क्वेश्चन का वेटेज 3 मार्क्स का है, 12। इसमें कोई खास चेंज नहीं है। जो चेंज आया है वो यहाँ देखिए, एनालिटिकल क्वेश्चंस में बच्चों को वैरायटीज़ दी गई हैं, ऑप्शंस दिए गए हैं। ये एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पहले क्या हुआ करता था कि 2 ही एनालिटिकल क्वेश्चन आया करते थे, अगर आप उन क्वेश्चंस को नहीं समझ पाए तो फिर आप फंस जाया करते थे। लेकिन अब यहाँ देखिए, 3 एनालिटिकल क्वेश्चंस दिए हुए हैं, 3 में से कोई आपको कोई एक सेलेक्ट करना है। पहला वाला जैसे लेसन आप देख रहे हैं, मुकेश इज़ नॉट लाइक द अदर्स हिज ड्रीम्स, ये आपके लॉस्ट स्प्रिंग में से है, गोइंग प्लेसेस में से है, ये डीप वाटर में से। आप इन तीनों में से कोई भी एक सेलेक्ट कर सकते हैं और आपको एक ही अटेम्प्ट करना है। ये 6 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 में भी इन्होंने ऐसा ही किया है, 3 चॉइसेस दी हैं 2 चॉइसेस की बजाय, और क्वेश्चन नंबर 11 में भी आप देखिए, 4 चॉइसेस दी हुई हैं। ये यहाँ पे जो थीम बेस्ड क्वेश्चन हुआ करता था, वो थीम और इंसिडेंट बेस्ड क्वेश्चन था, उसमें अब आपको 4 चॉइसेस दी हुई हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। तो 4 चॉइसेस मतलब, अगर आप कोई एक नॉवल भी लेते हैं तो आपके लिए यहाँ पर 2 क्वेश्चंस हैं, उन दोनों क्वेश्चंस में से आप कोई भी एक सेलेक्ट कर लेते हैं। लेकिन पहले क्या हुआ करता था, क्वेश्चन नंबर 11 में आपने अगर एक नॉवल पढ़ा है तो उसी नॉवल का बेस्ड क्वेश्चन आया करता था, और दूसरी जो चॉइस हुआ करती थी वो दूसरे नॉवल में से हुआ करती थी, जैसे इनविजिबल मैन का एक क्वेश्चन और सिलास मार्नर का एक क्वेश्चन। तो आपको जो इनविजिबल मैन अगर आपने पढ़ा है, तो इनविजिबल मैन का जो भी क्वेश्चन आया है उसको आपको अटेम्प्ट करना ही होगा। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब यहाँ पर आपके लिए 2 चॉइसेस बन गई हैं। देखिए यहाँ डॉक्टर कैंप वाला क्वेश्चन है, और यहाँ पर मिस्टर हॉल और मिसेस हॉल के बारे में कुछ पूछा गया है, और वो आप इसमें लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो कैरेक्टर बेस्ड क्वेश्चन, कैरेक्टर स्केच बेस्ड क्वेश्चन हुआ करता था।
तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि इसमें भी इसी प्रकार से आपके दो क्वेश्चंस लगातार इनविजिबल मैन से दिए गए हैं और ये दो क्वेश्चंस सिलास मार्नर से दिए गए हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि सीबीएसई ने अपने क्वेश्चन पेपर पैटर्न को और आसान बनाया है आपकी सुविधा के लिए, ताकि आप अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकें। तो आप भी अच्छे से अच्छे तैयारी कीजिए इसी क्वेश्चन पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग। इस साल का क्वेश्चन पेपर जो है इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग ही आएगा। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कृपया अपने कमेंट्स देना ना भूलें कि किस तरह से हम अपने चैनल में और सुधार कर सकते हैं। अगर आपके कुछ डाउट्स हैं तो डाउट्स भी बेझिझक कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि हम आपके डाउट्स को भी क्लियर कर पाएँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।